नमस्कार, ये मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ है। आज 19 मई बुधवार का दिन है। सबसे पहले सुर्खियां। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,482 नए केस सामने आए हैं। ये 5 अप्रैल के बाद मरीजों की सबसे कम संख्या है। बांग्लादेश की मशहूर जर्नलिस्ट रोजीना इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर 1923 के गोपनीयता कानून के उल्लंघन का आरोप है। आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गुजरात के तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। गोवा की एक सत्र अदालत रेप केस में आरोपी तरुण तेजपाल मामले में फैसला सुनाएगी। विधायक मुख्तार अंसार के लेटर पैड पर फर्जी पते से कुछ लोगों को असला देने के मामले में सुनवाई होगी। अब खबरें देश और दुनिया से। देश में कोरोना की लहर अब धीमी पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी में क्लियर पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है। एक्टिव केस में भी कमी आ रही है। चक्रवाती तूफान ताउते महाराष्ट्र गुजरात में भारी तबाही मचाकर राजस्थान पहुंच गया है। तूफान से महाराष्ट्र में 6,349 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दक्षिण गुजरात में भी भारी तबाही मच गई है। कई जिलों में 8 घंटे में 5 इंच तक बारिश हो चुकी है, जिससे हालात खराब हो गए हैं। कोरोना से जूझ रही दिल्ली के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने 4 बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के 72 लाख लोगों को प्रधानमंत्री योजना के अलावा 5 किलो अतिरिक्त राशन मुफ्त मिलेगा। महामारी से जान गंवाने वाले परिवारों को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। मुआवजे के साथ 2,500 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन माता पिता को खो देने वाले बच्चों को भी मिलेगी। कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक बताए जाने की आशंका के बीच एक अच्छी खबर है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने मंगलवार को बताया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इजराइल और फिलिस्तीन संगठन हमास की जंग को 9 दिन हो चुके हैं। इस बीच हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी इलाके में हालात बदतर हैं। यहाँ की आबादी 21 लाख है। इसमें से 11 लाख लोगों के पास अब पीने का पानी, टॉयलेट और बिजली की सुविधा नहीं है। बमबारी ने ये सब तबाह कर दिया है। लंदन की हाईकोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की दिवालियापन की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसकी संपत्ति बेचकर कर्ज वसूल करने में आसानी हो सकती है। कोरोना के केस अचानक बढ़ने, वैक्सीन की कमी होने और तीसरी लहर की आशंका ने भारत की मुश्किलें तो बढ़ा ही दी हैं, दूसरे कई देशों को भी चिंता में डाल दिया है। भारत अब तक इन देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा था, जो अब अक्टूबर तक नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यों और जिलों के फील्ड ऑफिसर्स के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने फील्ड ऑफिसर्स से कहा कि कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप कमांडर हैं, जो हालात के हिसाब से फैसला करते हैं। जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सागर की हत्या मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपी ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम और गैर जमानती वारंट जारी किया है। आज की ब्रीफ में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए के साथ। आपका दिन शुभ हो।